हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, जियोग्राफी ऑप्शनल की सीरीज़ में आज हम लोग मैकिंडर का जो हृदय स्थल मॉडल है या हार्टलैंड थ्योरी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैकिंडर कौन थे। तो देखिए, मैकिंडर जो हैं ब्रिटेन में भूगोल के प्रोफेसर रहे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये डायरेक्टर के पद पर रहे और इसी के साथ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसके भी ये सदस्य रहे, यानी कि बहुत ही मल्टी डायमेंशनल इनकी पर्सनैलिटी थी, बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। तो देखिए, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो एक नियतिवादी सिद्धांत है, यानी कि जो इनका हार्टलैंड मॉडल है तो ये एक नियतिवादी सिद्धांत है। फिर देखिए, मैकिंडर ने जो इतिहास है हमारा उसको जल शक्ति और स्थल शक्ति के बीच संघर्ष के रूप में देखा, यानी कि जो जल शक्ति और जो स्थल शक्ति है इनके बीच में हमेशा संघर्ष होता रहता है। और मैकिंडर ने ये माना कि जो थल शक्ति है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, यानी कि वो ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो मैकिंडर हैं वो इतिहास को जल शक्ति और स्थल शक्ति के बीच संघर्ष के रूप में देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने सामने जो एटलस है उसको खोल के रख लीजिए और उसमें वर्ल्ड मैप खोल लीजिए, जिससे कि जिस रीजन की भी हम बात करें उस रीजन पे आपकी नज़र रहे और आप अच्छे से समझते रहें कि क्या बात हो रही है, किस रीजन की बात हो रही है। तो देखिए, 1904 में अपने शोध पत्र में, यानी कि मैकिंडर ने जो 1904 में एक शोध पत्र पब्लिश किया जिसका नाम था द जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, तो इसमें इन्होंने कुछ बातें रखी। तो जो मैकिंडर हैं उन्होंने यूरोप, एशिया और अफ्रीका से मिलकर बने विशाल स्थल को विश्व द्वीप की संज्ञा दी, यानी कि जो हमारा यूरोप है, जो एशिया है और जो अफ्रीका है, अगर इन तीनों का जितना भी एरिया है इसको मिला दिया जाए तो जो स्थल प्राप्त होता है उसको मैकिंडर ने कहा विश्वद्वीप। फिर देखिए, यह विश्वद्वीप जो है, यानी कि यही वाला जो एरिया है जो इन तीनों महाद्वीपों से मिलकर बना है, तो ये जो विश्वद्वीप है ये संपूर्ण पृथ्वी के स्थल का 2/3 भाग समाहित करता है, ऐसा मैकिंडर ने बताया। यानी कि पृथ्वी का टोटल जो एरिया है उसका 2/3 भाग इसमें आ जाता है और इसका क्षेत्रफल 11 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और इसमें संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या है उसका 88% जो है जनसमूह निवास करता है, कार्य करता है, नहीं निवास करता है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखिए जो ये एरिया बन रहा है यानी कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका को मिला के, तो यहाँ पे जो है 2/3 भाग है पूरी विश्व का जो स्थल है उसका 2/3 भाग है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 11 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और इसमें देखिए जो पूरे विश्व की जनसंख्या है उसका 88% जो जनसंख्या है वो इसी विश्व द्वीप में रहती है, तो ऐसा मैकिंडर ने बताया। फिर देखिए, कोलंबस इरा, तो ये क्या है? देखिए, ऐसा है कि एक टाइम था जब यूरोप बहुत शक्तिशाली हो गया क्योंकि उसकी जो थल शक्ति थी, यानी कि जो उसकी समुद्री में शक्ति थी, जो उसकी नेवी थी, वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। उसने दूर दूर के इलाकों की खोज की, वहाँ पे अपना व्यापार फैलाया, तो इससे जो यूरोप है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया, तो इसे कहा गया कोलंबस इरा। तो मैकिंडर कहते हैं कि ये जो कोलंबस एरा है ये अब समाप्त होने वाली है और जो नया भविष्य में जो शक्ति होगी वो स्थल शक्ति होगी, यानी कि जो स्थल शक्ति होगी वो ज़्यादा बड़ी होगी जो हमारी जल शक्ति है उससे। तो स्थल शक्तियाँ जो हैं, यानी कि जो स्थल पे काम करने वाली शक्तियाँ हैं, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगी और ये जो कोलंबस एरा थी जिसमें कि जो जल शक्तियाँ हैं वो बहुत शक्तिशाली हो गई थी, तो ये अब जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। देखिए, मैकिंडर ने जो हमारा पूरा विश्व है इसको 3 एरिया में डिवाइड कर दिया, यानी कि 3 एरिया का निर्माण किया मैकिंडर ने जो वर्ल्ड मैप है उस पर, और उसी के हिसाब से बताया कि कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, कौन सा सबसे कम शक्तिशाली होगा। और जैसे जैसे विश्व की जो परिस्थितियाँ हैं वो बदलती गई, उसी हिसाब से मैकिंडर का जो सिद्धांत है उस पर भी कुछ परिवर्तन आते रहे, यानी कि जो मैकिंडर के विचार थे उसमें भी उन्होंने कुछ कुछ परिवर्तन करते रहे। तो इसी चीज़ पर ये पूरा मॉडल आधारित है। तो देखिए, पहला जो एरिया है वो है धुरी क्षेत्र या पिवट एरिया। तो देखिए, धुरी क्षेत्र क्या है? ये एक ऐसा एरिया है जो 3 ओर से पर्वतों के द्वारा घिरा है, उत्तर में हिमाच्छादित आर्कटिक सागर द्वारा घिरा है, यानी कि देखिए कोई भी जो चीज होती है उसके चारों तरफ 4 डायरेक्शन होती हैं, तो जो 3 डायरेक्शन है उसमें पर्वत है इस एरिया के, यानी कि जो पिवट एरिया है इसके 3 डायरेक्शन में पर्वत हैं और जो चौथा डायरेक्शन है जो उत्तर है उसमें हिमाच्छादित आर्कटिक सागर है। तो देखिए, इसे मैप में देख लीजिए पहले जिसे समझ में आ जाए। तो देखिए, ये जो है आप जो रेड देख रहे हैं पूरा, तो ये पिवट एरिया है, यानी कि ये वाला जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये पिवट एरिया है। इसको 1909 में इन्होंने, मैकिंडर ने बताया था और इसी में फिर कुछ संशोधन किए थे और 1919 में इसमें थोड़ा सा बड़ा कर दिया था, तो चलिए उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 1919 में ये वाला जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं रेड वाला, इसको मैकिंडर ने पिवट एरिया बताया। अब देखिए, ये जो एरिया है ये 3 ओर से पर्वतों से घिरा है, जैसे कि इधर हिमालय वगैरह है, हिंदू कुश है, तो ये सारे हैं
है पामीर का पठार है, और इधर क्या है आर्कटिक सी है। आर्कटिक सी का ही प्रॉब्लम यह है कि ये हमेशा जो है हिमाच्छादित रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडा रहता है। आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल है इसके आगे, तो इसलिए यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। तो एक तरह से मैकिंडर का कहना था कि इस एरिया में प्रवेश कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि जो प्राकृतिक इसकी सीमाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो ये जो धुरी क्षेत्र है, जो पिवट एरिया है, इसका विस्तार पश्चिम में वोल्गा नदी से लेके, देखिए अब इसे आप मैप पे आइडेंटिफाई करिए कि पश्चिम में वोल्गा नदी से लेके पूर्वी साइबेरिया तक तथा दक्षिण में वलित पर्वत, जो हमने अभी देखे कि हिमालय है, हिंदू कुश है, पामीर का पठार है, वहाँ से लेके उत्तर पूर्व में आर्कटिक सागर तक है। यानी कि ये पूरा जो है इसका एरिया हो गया। तो देखिए ये जो धुरी क्षेत्र का एरिया है ये आपको याद होना चाहिए, आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। तो ये जो है एक संसाधन संपन्न स्थल है, ऐसा मैकिंडर ने बताया, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें आर्थिक कह लीजिए कि क्षमता है। इस स्थल क्षेत्र की विशेषता थी कि यह समुद्री शक्तियों के लिए बंद था और एक किले जैसा सुरक्षित था। तो देखिए जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि क्योंकि तीन तरफ इसके पहाड़ हैं और एक तरफ जो सागर है वो हमेशा हिमाच्छादित रहता है, तो उसमें जो है शिप वगैरह चलाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये जो एरिया है किले की तरह, यानी कि देखिए किले की विशेषता ये होती है कि उसको चारों तरफ से दीवार से घेर दिया जाता है, इसलिए उस दीवार की वजह से उस किले में घुस पाना संभव नहीं होता है। तो सेम यही बात जो ये धुरी क्षेत्र है इस पर भी लागू होती है। तो प्रवेश है तो देखिए दो मार्ग हैं, या तो यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर के बीच में जो एक सकरा गलियारा है वो, या फिर स्टेपी घास के मैदान जहाँ से ये हमारे जो मंगोल थे, चंगेज खान वगैरह थे, जो जहाँ से होके आक्रमण करते थे अलग अलग देशों पर। फिर देखिए जो मैकिंडर ने दूसरा क्षेत्र बताया वो है आंतरिक अर्धचंद्र। तो देखिए ये ठीक जो हमारा धुरी क्षेत्र है उसके पास वाला भाग है। तो इसका देखिए जियोग्राफिकल एरिया क्या है, तो यूराल पर्वत के पश्चिम का यूरोपीय भाग, ईरानी उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिम का एशियाई भूभाग, फिर दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत तथा चीन के ज़्यादातर भूभाग। तो ये सारे प्रदेशों को मिला के जो प्रदेश बनता है उसे जो मैकिंडर है उन्होंने कहा आंतरिक अर्धचंद्र। तो देखिए आंतरिक अर्धचंद्र ये जो है इसकी विशेषता ये है कि ये सागर के तटों पे स्थित देश हैं, यानी कि यहाँ पे जितने भी देश हैं ये सागर के तटों पे स्थित हैं, इसलिए जो अलग अलग देशों की नेवी है वो यहाँ पे आक्रमण कर सकती है, यानी कि ये जो है आक्रमण से सुरक्षित नहीं है। जबकि जो धुरी क्षेत्र है जो अभी हमने देखा तो वो जो है समुद्री आक्रमणों से सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ तक समुद्र के रास्ते से पहुँचा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो लैंडलॉक्ड एरिया है। वहाँ पर पहुँचने का जैसा कि हमने देखा कि केवल दो ही मार्ग हैं। लेकिन देखिए जो ये आंतरिक अर्धचंद्र है इसकी विशेषता यह है क्योंकि ये समुद्र के तटों पर स्थित है, यानी कि अलग अलग सागर के तटों पर स्थित है, तो इसीलिए ये जो है हमेशा ही आक्रमण से प्रभावित रहा है। फिर देखिए आता है तीसरा एरिया बाह्य या द्वीपीय अर्धचंद्र। तो ये देखिए बाह्य अर्धचंद्र क्या है, उत्तर और दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, सहारा के दक्षिण का अफ्रीकी भूभाग और जापान और ग्रेट ब्रिटेन, तो ये सारे जो एरिया हैं ये मिलकर जो है बाह्य अर्धचंद्र बनाते हैं या द्वीप अर्धचंद्र बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैकिंडर ने माना कि जो धुरी क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित एरिया है, वहाँ पे आक्रमण होने की संभावना बहुत कम है और इसके साथ वहाँ पे जो संसाधन है बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो भी विश्व की शक्ति, जो भी वैश्विक शक्ति धुरी क्षेत्र पे अपना अधिकार जमा लेगी, धुरी क्षेत्र पे शासन करेगी, वही जो है आंतरिक अर्धचंद्र की जो पॉलिटिक्स है उसको भी नियंत्रित करेगी। और जो आंतरिक अर्धचंद्र को नियंत्रित करेगा वही जो ये बाह्य या द्वीप अर्धचंद्र है इसको भी नियंत्रित करेगा। तो यानी कि जो धुरी क्षेत्र है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिसका वहां पे शासन होगा वही पूरे विश्व पे शासन करेगा। फिर देखिए विश्व में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थीं जिसकी वजह से जो मैकिंडर के विचार थे उसमें मैकिंडर ने कुछ संशोधन किया और उसके बाद नए विचारों को रखा। तो देखिए ये घटनाएं ऐसे थीं कि 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हो गई, यानी कि जो मार्क्स के विचारों से प्रेरित क्रांति हुई थी रूस में वो क्रांति घटित हुई। इसके साथ ही जो पहला वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार था, उसमें जर्मनी हार गया। फिर देखिए एक और बड़ी घटना हुई कि ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग का निर्माण हुआ। तो ये जो पहली दो घटनाएं थीं इनसे जो रूस है उसकी शक्ति में विस्तार हुआ, धीरे धीरे जो रूस है उसकी शक्ति बढ़ने लगी जो उस समय सोवियत संघ था। फिर देखिए ये जो घटना थी आपकी ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग का बनना, तो इससे मैकिंडर को लगा कि ये जो हार्टलैंड है या जो धुरी क्षेत्र है हमारा ये धीरे धीरे अब पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा, सभी स्थान जो हैं आपस में जुड़ जाएंगे और फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेना को भेजना, सामान को भेजना, रसद सामग्री भेजना सब आसान हो जाएगा। तो मैकिंडर को लगा
कि समुद्र की अपेक्षा ये जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान आया जाया जा सकेगा, ये पूरा क्षेत्र इंटीग्रेट हो जाएगा और इसलिए ये जो पूरा उनका धुरी क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। तो इन सभी घटनाओं को देखते हुए जो मैकिंडर के विचार हैं उन्हें बल मिला, यानी कि मैकिंडर को लगा कि हाँ मेरा सिद्धांत सही है, रूस जो है जो कि हार्टलैंड का या फिर धुरी क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है, इसके साथ ही जो रीजन है वो इंटीग्रेट होता जा रहा है। तो जो मैकिंडर हैं उन्होंने अपने जो पुराने विचार थे उसमें कुछ संशोधन किया और एक नया रिसर्च पेपर जारी किया जिसका नाम था डेमोक्रेटिक आइडियाज़ एंड रियलिटी। तो उसमें उन्होंने जैसा कि मैंने आपको बताया अपने पिछले विचारों को संशोधित किया और हार्टलैंड थ्योरी को सामने रखा। अधिकतर आप जब मैकिंडर के विचार पढ़ते होंगे तो हार्टलैंड थ्योरी ही सामने आता होगा, तो हार्टलैंड थ्योरी यहीं पे सामने आई थी 1919 में। तो देखिए अब हम उन विचारों को देखते हैं जो मैकिंडर ने संशोधन करने के बाद सामने रखे। तो पहले तो देखिए जो विश्वद्वीप था या जो वर्ल्ड आइलैंड की उनकी संकल्पना थी उसमें उन्होंने अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों को छोड़ रखा था। तो जो नई उन्होंने वर्ल्ड आइलैंड की संकल्पना दी तो उसमें यूरोप एशिया तो शामिल ही था, उसके साथ ही जो पूरा अफ्रीका महाद्वीप है उसको भी शामिल कर लिया। फिर देखिए जो हार्टलैंड की बात कही है या हृदय स्थल की बात कही है मैकिंडर ने, तो ये जो है धुरी क्षेत्र का ही विस्तृत रूप था, यानी कि जो पिवट एरिया था उसी का विस्तृत रूप हार्टलैंड था। और इसकी जो देखिए अब हम इसके जो भौगोलिक सीमाएं हैं उसको देखते हैं, तो जो हार्टलैंड है इसकी पश्चिमी सीमा वोल्गा बेसिन से, पूर्वी सीमा साइबेरियन पर्वत से, उत्तरी सीमा आर्कटिक सागर से और दक्षिणी सीमा ईरान हिमालय पर्वत श्रृंखला से मिलकर बनती है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, तो देखिए पश्चिमी सीमा जो है वोल्गा बेसिन से, जो पूर्वी सीमा है वो साइबेरियन पर्वत से, उत्तरी सीमा जैसा कि पहले हमने देखा था आर्कटिक सागर से, और जो दक्षिणी सीमा है वो ईरान हिमालय पर्वत श्रृंखला से मिलकर बनती है, यानी कि ईरान हो गया, हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गई, तो इन सारे एरिया के बीच का जो एरिया है वो हार्टलैंड हो गया। तो देखिए जो इस तरह से संशोधित हार्टलैंड था या फिर कह लीजिए जो नया हार्टलैंड था जिसे कि धुरी क्षेत्र का विस्तृत रूप माना जाता है, तो इस हार्टलैंड में कुछ नए क्षेत्र शामिल हुए, यानी कि बाल्टिक सागर, डेन्यूब नदी का ऐसा क्षेत्र जहां पे शिप वगैरह चल सकते थे यानी कि नौकागम्य क्षेत्र डेन्यूब नदी का, काला सागर, आर्मेनिया, फारस, तिब्बत और मंगोलिया। तो ये सभी क्षेत्र जो हैं जो संशोधित हार्टलैंड था उसमें शामिल हो गए। तो देखिए ये जो रेड लाइन वाला क्षेत्र है पूरा, ये तो आपका पुराना धुरी क्षेत्र हो गया और इसमें कुछ ये जो क्षेत्र था इसको 1919 में मैकिंडर ने मिला दिया, यानी कि ये जो ब्लू लाइन से आपको क्षेत्र दिख रहा है, और फिर ये जो पूरा नया क्षेत्र था ये हार्टलैंड कहलाया या फिर हृदय स्थल कहलाया। फिर देखिए ये जो पूरा हार्टलैंड का एरिया है, इस एरिया में प्रवेश करने के लिए दो मार्ग हैं, एक तो हमारा स्टेपी प्रदेश हो गया, इसके साथ ही बाल्टिक सागर, तो इन दोनों मार्गों से जो हार्टलैंड है उसमें प्रवेश किया जा सकता है। तो देखिए जब वार हो रही थी तो जो जर्मनी की सेनाएं थी वो हार्टलैंड में प्रवेश कर गई थी और उन्होंने हार्टलैंड में प्रवेश करने के लिए जो रास्ता चुना था वो था स्टेपी वाला, यानी कि स्टेपी प्रदेश से होकर जो जर्मनी की सेनाएं हैं वो हार्टलैंड में प्रवेश की थी, हृदय स्थल में प्रवेश की थी। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि हार्टलैंड में अगर प्रवेश करना है तो जो स्टेपी प्रदेश है वो सबसे अच्छा मार्ग है, सबसे बेहतर मार्ग है। फिर देखिए हृदय स्थल जो है पृथ्वी का सबसे मजबूत किला है, जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं धुरी प्रदेश के बारे में, और ये संपूर्ण महाद्वीपीय क्षेत्र के जो संसाधन हैं उन पर नियंत्रण रखता है, यानी कि ये जो आसपास में जो महाद्वीप का एरिया है उसमें जितने भी संसाधन हैं उन सभी पर ये जो हृदय स्थल है या जो हार्टलैंड है वो नियंत्रण रखता है। तो इसीलिए मैकिंडर ने कहा कि जो हृदय स्थल पे शासन करेगा, यानी कि जो हार्टलैंड का एरिया है जो उस पे रूल करेगा, जिसका उस पे अधिकार होगा, वही विश्वद्वीप पे शासन करेगा। विश्वद्वीप मतलब हमने देखा कि जो हमारा यूरोप है, जो हमारा अफ्रीका है और जो एशिया है, तो जो शक्ति हृदय स्थल पे शासन कर रही होगी वही वो पूरे विश्वद्वीप पे शासन करेगी, और जो विश्वद्वीप पर शासन करेगा वो विश्व पे शासन करेगा, यानी कि जिसका नियंत्रण इस विश्वद्वीप पे है उसका नियंत्रण पूरे विश्व पे होगा, क्योंकि जितने भी संसाधन है उसका अधिकतर भाग, अधिकतर जनसंख्या इन्हीं स्थानों पे पाई जाती है, इसी विश्वद्वीप में पाई जाती है। देखिए द्वितीय विश्वयुद्ध में और द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद कुछ ऐसी घटनाएं देखने में आईं जिससे कि मैकिंडर ने जो अपने विचार थे उसमें पुनः परिवर्तन किया। तो पहले हम समझते हैं ऐसी कौन सी घटनाएं हुई और उसके बाद देखेंगे कि क्या विचारों में उन्होंने परिवर्तन किया। तो देखिए द्वितीय विश्वयुद्ध में सबसे बड़ी जो घटना थी कि जर्मनी हार गया, और वो जो जर्मनी हारा था उसमें सबसे बड़ा हाथ था USSR का, यानी कि सोवियत संघ का। तो इसलिए देखिए कहीं ना कहीं ये सिद्ध हो गया कि जो हमारा हार्टलैंड का रीजन है जो कि सोवियत संघ जिसमें आता है, तो ये रीजन बहुत
ज़्यादा शक्तिशाली है, इसको जीत पाना किसी भी शक्ति के लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। फिर देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा, यानी कि कहीं ना कहीं विश्व को यह भी लगने लगा कि अब जो भविष्य में एक शक्ति का बड़ा केंद्र होगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होगा। तो ये देखिए, दो बहुत बड़ी घटनाएं थी, एक तो जर्मनी हार गया, दूसरा जो यूएसए है एक महाशक्ति के रूप में उभरा। और इससे देखिए विश्व में क्या दिखने लगा कि अब शक्ति के दो केंद्र हैं, एक तरफ सोवियत संघ है और दूसरी तरफ अमेरिका है, जो कि देखिए 1990 के दशक तक चला था जबकि सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया। तो ऐसे में सोवियत संघ एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा और अमेरिका दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा और शक्ति के दो केंद्र हो गए। तो इन परिस्थितियों में देखिए मैकिंडर ने 1944 में एक नया शोध पत्र जारी किया, द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस, और इसमें इन्होंने मिडलैंड बेसिन की परिकल्पना सामने रखी, यानी कि एक मिडलैंड बेसिन का विचार सामने रखा। तो देखिए मिडलैंड बेसिन में उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप शामिल थे। तो ये देखिए जरूर याद रखिएगा कि मिडलैंड बेसिन का क्षेत्र क्या था, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप। तो देखिए इस क्षेत्र को मैकिंडर ने कहा कि जो हृदय स्थल में राजनीतिक शक्ति बन रही है, यानी कि हृदय स्थल में जो सोवियत संघ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है, तो उसके प्रति संतुलन के रूप में ये जो स्थल है ये काम कर सकता है, या मिडलैंड बेसिन जो है काम कर सकता है। देखिए अगर आप वर्ल्ड मैप को देखें तो एक तरफ आपको जो है हमारा जो अमेरिका है उसका पूर्वी हिस्सा दिखेगा, और इधर बीच में फिर आपको अटलांटिक महासागर दिखेगा, और दूसरी तरफ जो यूरोप है उसका पश्चिमी हिस्सा दिखेगा, यानी कि यूरोप का पश्चिमी हिस्सा और अमेरिका का पूर्वी हिस्सा और उसके बीच में जो अटलांटिक महासागर है वो दिखेगा। तो मैकिंडर ने कहा कि ये जो अमेरिका है इसका जो पूर्वी हिस्सा है और ये जो यूरोप है इसका जो पश्चिमी हिस्सा है जहाँ पे ब्रिटेन वगैरह हैं, तो अगर ये साथ में आ जाएं तो जो सोवियत संघ की बढ़ी हुई शक्ति है, जो सोवियत संघ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है, उसकी शक्ति को संतुलित किया जा सकता है, यानी कि इन दोनों रीजन में इतनी क्षमता है कि जो सोवियत संघ की शक्ति है उसका सामना कर सकें। तो देखिए इस तरह से मैकिंडर बता रहे हैं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसका जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ पे पर्याप्त वर्षा होती है, अच्छा उत्पादक कोयला मिलता है, और यही स्थिति जो पश्चिमी यूरोप है वहाँ पे भी है। तो ऐसे में ये जो दोनों रीजन हैं एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के उद्योग धंधों इत्यादि को सपोर्ट कर सकते हैं, और एक ही समुदाय के दो अंश हैं, या कह लीजिए एक ही रीजन के दो हिस्से हैं। तो मैकिंडर कहते हैं कि उत्तरी अटलांटिक महासागर के दोनों किनारे आपस में समुद्री और वायु संचार की सहायक कड़ियों द्वारा जुड़े हैं, यानी कि यहाँ पे शिप वगैरह के द्वारा इन दोनों रीजन में आना जाना संभव है, सामान वगैरह को भेजना संभव है। इसी तरह से ये जो दोनों रीजन हैं, जो वायु यातायात होता है, जो हमारे एरोप्लेन वगैरह होते हैं उनके माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। और मैकिंडर का मानना है कि जो इनकी संयुक्त औद्योगिक और सैन्य शक्ति होगी, यानी कि जो इनकी मिला के दोनों इन दोनों रीजन की मिला के जो औद्योगिक शक्ति बनेगी और जो सैन्य शक्ति बनेगी वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होगी कि जो सोवियत संघ है उसकी शक्ति को काउंटर बैलेंस कर सके। तो देखिए ये कहीं ना कहीं चीज़ हमें बाद में दिखाई भी दी जब नाटो का जो है एक तरह से उद्भव हुआ। देखिए जो नाटो फोर्स है वो उत्तरी अमेरिका के जो देश हैं और इसी के साथ जो यूरोप के देश हैं उन्होंने मिलकर इसका गठन किया है, और कहीं ना कहीं इसका जो गठन हुआ था वो जो सोवियत संघ है उसकी शक्ति को संतुलित करने के ही लिए हुआ था। तो ऐसे में ये दिखाई पड़ता है कि हाँ जो मैकिंडर की थ्योरी है वो रिलीवेंट है, यानी कि मिडलैंड बेसिन की जो मैकिंडर की थ्योरी है ये रिलीवेंट है। फिर इसी के साथ देखिए अभी हाल के वर्षों में कुछ सिनारियो ऐसा दिखा है जिससे लगता है कि जो मैकिंडर ने हार्टलैंड का सिद्धांत दिया है ये आज के समय में भी प्रासंगिक है, क्योंकि देखिए जो रशिया है उसने क्रीमिया को अधिग्रहित कर लिया, यानी क्रीमिया पे बलपूर्वक रशिया ने अपना अधिकार कर लिया। तो ऐसे में ये दिखता है कि आज भी जो रूस है वो शक्तिशाली है। तो रूस देखिए हार्टलैंड का प्रतिनिधित्व करता है, तो यानी कि जो हार्टलैंड है वो भी अभी भी शक्तिशाली है, और जो विश्व में जो पॉलिटिकल घटनाएं घट रही हैं उस पर बहुत ज़्यादा डीप अपना प्रभाव रखता है, बहुत गहरा प्रभाव रखता है। इसी तरह से फिर देखिए जो हमारा शंघाई कोऑपरेशन है जिसमें भारत और पाकिस्तान भी अब सदस्य बन चुके हैं, तो देखिए शंघाई कोऑपरेशन जो है इसमें मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, रशिया है, चाइना है, और बाकी फिर देखिए इंडिया पाकिस्तान है।
तो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ रशिया और चाइना, ये देखिए कंट्रीज़ जो हैं ये मिलके जो यहाँ इस पूरे रीजन का आप कह लीजिए पॉलिटिकल सिनारियो है या फिर कह लीजिए जियो पॉलिटिकल सिनारियो है तो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि चाहे वो ईरान का मामला हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान का मामला हो, तो इन सभी रीजन में इनका इन्फ्लुएंस है। और जो मिडिल ईस्ट में नाटो की पावर है उस पर भी इस संगठन ने बहुत कुछ विराम लगा दिया है। तो यानी कि देखिए फिर से वही बात आती है कि ये जो हमारा हार्टलैंड प्रदेश है तो यहाँ पे जो एक बना हुआ कोऑपरेशन है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है और जो आसपास का रीजन है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव रखता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ईरान पे प्रभाव रखता है, अफ़गानिस्तान पे प्रभाव रखता है और भी इस रीजन में जो कुछ घटनाएं घटती हैं उसमें इसका प्रभाव होता है। तो यानी कि ये सारी बातें बता रही हैं कि जो हमारा हार्टलैंड है वो अभी भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। देखिए इसी के साथ कुछ अन्य घटनाएं घटी हैं इतिहास में जिसको देखने से लगता है कि हाँ जो हार्टलैंड है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। जैसे कि वियतनाम वार हुई, अफ़गानिस्तान वार हुई, इंडिया पाक वार हुआ, तो इन सभी लड़ाइयों में जो हमारा हार्टलैंड है या कह लीजिए जो रशिया है उसने जिस पार्ट का सपोर्ट किया या जिस ग्रुप का सपोर्ट किया वही ग्रुप जीत गया। तो ये दिखाई देता है कि जो हार्टलैंड है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है और जो यूएस है वो हार गया, यानी कि यूएस का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में उससे कहीं ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे हार्टलैंड का है। तो देखिए जैसे कि अगर केवल इंडिया पाक वार की बात करें तो इंडिया पाक वार में यूएसए ने अपने शिप वगैरह भेजे थे पाक की हेल्प करने के लिए, लेकिन जो रशिया ने अपनी पनडुब्बियाँ वगैरह भेज दी इंडिया की हेल्प करने के लिए तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल साबित हुआ और अंत में जो इंडिया है उसकी ही जीत हुई। अब देखिए मैकिंडर के सिद्धांत की आलोचना देखते हैं। तो पहली तो बात है कि मैकिंडर ने जो पूरा इतिहास है उसे इस रूप में देखा कि स्थल और समुद्री शक्तियों के बीच लगातार संघर्ष होता रहता है और इसी से इतिहास का निर्माण होता है। लेकिन ये देखिए एक सही दृष्टि नहीं है। ठीक है ये एक रीज़न हो सकता है कि स्थल और समुद्री शक्तियों के बीच का जो संघर्ष है वो इतिहास का निर्माण करता है, लेकिन इसी के साथ देखिए जो इतिहास है वो भौगोलिक अवस्थित के अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक कारकों से भी प्रभावित होता है। यानी कि जो हमारी हिस्ट्री है उस पे सामाजिक कारणों का, आर्थिक कारणों का, सांस्कृतिक कारणों का भी प्रभाव होता है। कितनी बार तो धर्म वगैरह की वजह से युद्ध हुए हैं। तो ये कहना सही नहीं है कि पूरा का पूरा संघर्ष स्थल और समुद्री शक्तियों के बीच का संघर्ष है। फिर देखिए इसी तरह से जो मैकिंडर हैं वो ये मानते थे कि पूरा का पूरा ये जो हार्टलैंड है जल्दी ही एक दूसरे सभी पार्ट जो हैं आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि इनमें बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन देखिए इतनी ज़्यादा प्राकृतिक रूप से दुष्कर भूमियाँ हैं, इतने ज़्यादा कह लीजिए अवरोध होते हैं कि उस तरह से कनेक्टिविटी स्थापित नहीं हो पाई है जिस तरह से मैकिंडर ने सोचा था। फिर इसी तरह से देखिए मैकिंडर ने मर्केटर प्रक्षेप पर बने मानचित्र का प्रयोग किया, यानी फ्लैट मानचित्र का, और उसमें देखिए साइबेरिया और अमेरिका के बीच ऐसा लगता है कि हज़ारों किलोमीटर की दूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप जो ग्लोब होता है उस पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारा साइबेरिया है और जो अमेरिका है वो एकदम पास पास है। तो देखिए ये जब अमेरिका इतना ज़्यादा दूर दिखता है तो उससे ये लगता है कि अमेरिका तो बहुत ज़्यादा दूर है इस रीजन से, यानी कि अमेरिका की कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होगी इस रीजन में। लेकिन जब हम ग्लोब पे देखेंगे तो हमें लगेगा कि अरे अमेरिका तो एकदम पास में है इस रीजन के, यानी कि अमेरिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। फिर देखिए हार्टलैंड जो है उतना संसाधन संपन्न नहीं है जितना माना गया, क्योंकि इसका बड़ा भाग जो है अनुपयुक्त है। यानी हार्टलैंड को जो मैकिंडर है उन्होंने कुछ ज़्यादा ही संसाधन संपन्न मान लिया, ज़्यादा ही ऐसा मान लिया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्स हैं, जबकि हार्टलैंड में एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो किसी काम का नहीं है, बंजर है, अनुपजाऊ है। फिर देखिए जो नवीन युद्ध तकनीकें हैं वायुयान और प्रक्षेपास्त्रों के लिए हृदय स्थल खुला हुआ लक्ष्य है। यानी कि जो इस समय देखिए वर्तमान में जो युद्ध तकनीकें हैं अगर हम उनकी बात करें, यानी कि जो अलग अलग मिसाइल हैं, फिर जो हमारे एयरप्लेन्स हैं, जेट प्लेन्स हैं, प्रक्षेपास्त्र हैं, यानी कि ड्रोन वगैरह और भी कई सारी चीज़ें हो गई, तो अगर इन सारी चीज़ों को कंसीडर करें तो कोई भी जगह किले की तरह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मिसाइल को कहीं पे भी गिराया जा सकता है। अब देखिए इंडिया ने एक ऐसी मिसाइल का भी परीक्षण किया था जो कि ग्रेविटी पे आधारित थी, यानी कि 90 डिग्री पे सीधे सीधे गिर सकती थी। यानी कि अगर आप दो पर्वतों के बीच में भी छुपे हैं तो वहाँ पे भी वो मिसाइल जो है आपको जाके टारगेट बना सकती है, हिट कर सकती है। तो ऐसे में ये कहना कि कोई भी स्थल जो है वो एक दुर्ग के रूप में सुरक्षित है, एक किले के रूप में सुरक्षित है, तो ये गलत धारणा होगी। तो ये सारी फ्रेंड्स मैकिंडर के सिद्धांत की आलोचना है। तो अब अगला मॉडल जो होगा उसमें हम लोग जो स्पाइक मैन का सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।